लोग हमारी सब इस टीम में राई जैसे होते, थोड़ा प्रेशर रायर पहले बोलना चाहिए कैसे बोलते आज पार्टी में जाएगी अभी लास्ट मिनट कुछ लोग जाते जो हल्दी जैसे होते करते कुछ नहीं है लुखे लास्ट में आते थोड़ा कलर डालते मैंने किया मिसेस गौर गोपाल प्रभु की एनीवेज तो मुद्दा ये है कि ही इज इंटरनेशनल लाइफ कोच एंड वर्ल्ड ओन लाइफ कोच और आपने इनको मेरे साथ अभी तक दो जगह पे देखा होगा कहाँ देखा है और बड़ा बात अच्छा <laughs> प्रभु जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट दो मिनट आपसे कुछ बात करें सुनना चाहेंगे yes, so, anything that तो एनी थिंग दैट प्रभु जी लाइक टू शेयर आप उसको ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए मेरे गुड आफ्टरनून टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन आप में से कितने लोगों को खाना पसंद है ओके okay, कितने लोग फूडी है पूरे लाइक like, कभी भी खा सकते हैं मील आफ्टर अ मील है meal, ना एक बार एक अमेरिकन आदमी है इंडिया है और uh, एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गया उडबी रेस्टोरेंट में उसको केले के पत्ते पे मील दिया तो केले के पत्ते पे पूरा भोजन खाया उसने जाते समय वो रेस्टोरेंट का जो ओनर है उसने पूछा कैसा था खाना कैसा था बोला खाना तो बहुत अच्छा था सैलड थोड़ा स्टिफ था वो केले के पत्ते को सैलेड मान के खा गया वो इतना स्टिफ इतनाड समझा उसने उसको <laughs> तो क्योंकि वहां तो सारे पत्ते वे तो सब खाए जाते हैं तो पत्ते पे जरूर नहीं होता आप में से कितने लोग थोड़ा खाना भोजन बना भी लेते हैं कुछ ओके आप में से कितने लोग तड़का लगाना जानते हैं चौंक है न जब आप तड़का लगाते हैं ना कभी तो तड़के में हम कई बार राई डालते हैं पहले और जैसे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो राई थक 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 स्प्लटर होती है वो है ना फूटने लगती है राई तो कई बार नमक डालते हैं नमक स्वाद देता है हर आइटम को और नमक की क्वालिटी है कि स्वाद देता है और पीछे रहता है कभी किसी ने देखा है नमक को आलू की सब्जी में पनीर मक्खन वाला में नमक देखा है राई तो दिख जाएगी बहुत आवाज़ की लेकिन दिखते भी है और नमक कभी दिखाई नहीं, नहीं पड़ेगा लेकिन नमक के बिना तो वो आइटम कभी लगेगा ही नहीं, नहीं अच्छा कई जगह चीज़ में हम लोग मिर्च डालते हैं तीखे स्वाद के लिए कश्मीरी तो डालते हैं रंग के लेकिन बाकी भी मिर्च होती है तेज बनाने के लिए आइटम को प्रिपरेशन को और अगर आप कोई गुजराती लोगों को का खाना आपने कभी खाया होगा तो, तो गुजराती लोग चौंक में चीनी भी डालते हैं थोड़ी मतलब तो तो रोटी छोड़ के हर चीज़ में चीनी जाती है और कई जगहों पर उस तड़के में हल्दी लगती है हल्दी डालते थोड़ा रंग आ जाता है अच्छा ये सारे आइटम इतने अलग होते हैं कभी भूख लग जाए ना तो आप एक मुट्ठी भर के राई खाएंगे पहले तो लंच बहुत भूख लगी अभी कुछ नहीं मिल रहा थोड़े तो राई पड़ी एक मुट्ठी ले थोड़ेगा इतने अलग अलग, अलग आइटम है लेकिन जब छोंक में एक साथ आ जाते हैं ना तो उस आइटम को इन स्वाद दे देते दे कि बस क्या कहने हम सब वैसे हैं कुछ लोग हमारे सब इस टीम में राई जैसे होते थोड़ा प्रेशर बड़ा पहले बोलना चाहिए था ना सर ये लास्ट मिनट ऐसा कैसे बोलते सर ऐसा अभी अभी मेरे वाइफ को मैंने बोला था आज पार्टी में जाएंगे अभी लास्ट मिनट कितने लोगों ने कहा है अभी सब डर रहे हैं मैं राई नहीं हूं <laughs> कुछ लोग होते हैं ना टीम में वो चीनी जैसे होते हैं उनको गुस्सा ही नहीं आता गाली दो चार चाटे लगाओ फिर भी एकदम शांति से मीठे मीठे बोलते हैं किसी को टोपी पहनाना उनको ऐसा डी स्ट्राइक करके आएंगे कुछ लोग होते हैं जो मिर्ची जैसे होते हैं गाली के बिना शुरू नहीं होती उनकी भाषा ऐसे तीखे बोलते हैं हार्श बोलते हैं उनको जब कुछ ऐसी परमिशन लेनी पड़ती है जो आसानी से नहीं मिलती उनको उधर भेजना चाहिए और कुछ लोग होते हैं जो नमक जैसे रहते हैं सारे प्रिपरेशन में स्वाद देते हैं लेकिन पीछे रहते हैं क्रेडिट नहीं चाहते वो लोग एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती नहीं आजकल ऐसे लोग लेकिन होते हाथ दो ऐसे कुछ और कुछ लोग होते हैं जो हल्दी जैसे होते हैं। करते कुछ नहीं है लुखे <laughs> लास्ट में आते हैं थोड़ा कलर डालते हैं। मैंने किया <laughs> <laughs> आपको बात ये सारे जो आइटम्स है ना हालांकि अलग अलग है सबकी वैल्यू है और इसी को टीम कहते हैं कभी कभी हम दूसरे को देखते हैं और लगता है कि यार उनके जैसे बन जाए क्यों बनना यार नया राई है वो नमक है अगर सब लोग नमक बनेंगे तो राई का, का काम कौन करेगा और सब लोग राई बनेंगे तो चीनी का, का काम कौन करेगा अपनी इंडिविजुअलिटी अपनी खासियत अपनी स्पेशलिटी अपनी यूएसपी ये पहचान कर उस पर बिल्ड करते रहना उसको आगे बढ़ाते रहना और उसके माध्यम से वैल्यू एड करना वो विशेषता होती है और टीम वर्क में जो एक साथ करते तो थोड़ा ध्यान यहाँ वहां जाता ही है क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती है और केबिन नहीं होते तो यहां से यहाँ यहां, यहां बैठे थोड़ा यहां थोड़ा ध्यान तो जाएगा ही ना फिजिकल स्पेस में ऐसा ध्यान जाता ही रहता है तो आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं बहुत बढ़िया तड़का है आप यहां बड़ा बिजनेस में कोई राई कोई नमक कोई चीनी कोई मिर्च कोई हल्दी अब सब सोच रहे हल्दी कौन है लेकिन सब लोग मिलकर जो एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं इसी से आपका जो यहाँ पर बिंद्रा जी जो कर रहे हैं उससे पूछ रहे हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए हम लोग सब बहुत छोटे लोग होते हैं मैं भी बहुत एक छोटा इंसान हूँ और हम जो छोटे लोग होते हैं वैसे तो खुदा के भगवान की नजर में सभी की वैल्यू है लेकिन हम में ऐसी कोई योग्यता नहीं कि हम कुछ बहुत बड़ा कर दें लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वो एक ऊपर से कुछ एक आशीर्वाद में या कुछ बहुत बड़ा कर दे हम लोग दुनिया में बहुत कुछ बड़ा शायद करे ना करे लेकिन उनके साथ जुड़ जाए अपनी तो ग्रोथ हो ही हो लेकिन दुनिया में कुछ भला कर पाएंगे जो अकेले कभी नहीं कर पाते थे हम और इसलिए ऐसे एक पर्पज से ऐसे एक कॉज से जुड़ के काम करना उसमें अपनी भी ग्रोथ हो और दूसरों की भी ग्रोथ हो तो आप सबको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बस करते रहिए एक साथ चलते रहिए है, कहते हैं ना इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन इफ यू वॉन्ट टू वॉक फार वॉक टुगेदर दूर तक चलना है तो साथ में चलिए तेज चलना है तो अकेले चलिए तेज चलने में अकेले चलते रहेंगे थक जाएंगे दूर तक चलना है साथ में चलिए और साथ में चलते चलते आगे बढ़कर थैंक यू